हेलो गाइस, तो मैं आज जा रहा हूँ अपने बस्ती और मैं इतना खुशी हूँ। 11 डेज मैंने ये खंगलंग बस्ती में बैठ दिया। ओह माय गॉड, अरे भाई इतना दिन बैठा है, पूरा ना लाइट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक सब प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। लाइट का तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ में, तो इतना अच्छा से ब्लॉग नहीं बना पाते, वीडियो नहीं डाल पा रहे, एक दिन गैप हो जाता है क्योंकि लाइट नहीं होने के कारण से। और अभी हम निकल रहे हैं अपने बस्ती की ओर, वीडियो में बने रहे और देखते रहना। मैं ये ब्रिज को भी छोड़ के जाऊंगा, ये इसमें मैं बहुत सारा वीडियो बनाया है ब्रिज में भी और ये जगह में। फिर से ये लाश है और मैं आज निकल रहा हूँ अपने गांव की ओर। अरे भाई साहब, ये गाय तो उस दिन से है, 3-4 दिन से यही जगह में पड़ा हुआ है, पूरा खाना नहीं खा के, पूरा भूखा से, पूरा इसका पेट देखो। अरे भाई इतना दिन से खाना नहीं खाया रे, पूरा पेट जो पूरा हड्डी दिखाई देने लग रहा है अभी। सो गाइस, अभी गाड़ी रुकते 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 एक तो अंकल आ गया जो हवाई से। अभी हम सोचा बड़ा गाड़ी क्या मिलेगा, सोच के हम रुक रहे बाद में अंकल ही आ गया, यहाँ में हवाई से आया। तो आप लोग देख सकते हैं वो गांव है जो हम 11 दिन बैठा इतना दिन, अभी फिलहाल फिर अपना गांव निकल रहे वाकरों की ओर। पूरा यहाँ में हाईवे बना रहे इसलिए पूरा रास्ता ब्लॉक है और किचर 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 कर दिया आगे। ये रास्ता जो वहां से घूम के आता है, ये है ब्रिज और ये ब्रिज इतना सुंदर है। ये वाला जो है पहले का पुराना ब्रिज था और वो है अभी नया बनाया है। पहले यहाँ ये ब्रिज से गाड़ी आना जाना करता था, अभी पूरा निकल गया नीचे का। तो मेरा साथ बेटा है, दो तो भाई है, यहाँ में हवाई से आए चाचा के साथ में। और दोनों का जर्नी कैसे लगा है हवाई से अभी रास्ता में चढ़ते हैं? अच्छा लगा है ना? क्या लगा है? अच्छा लगा। और तुझे? ठीक ही लगा है। नया ब्रिज पुराना ब्रिज, उसका नीचे जो है पूरा नदी है, नदी आप लोग देख सकते हैं, वो इतना दूर दूर पहाड़ के ऊंचा ऊंचा में जो टकला दिखाई दे रहा है ना, पूरा गांव का लोग खेती करते है, इससे भी दूर दूर पहाड़ में वो लोग खेती करते है, यहाँ का आदमी लोग अंजाव का, क्योंकि यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लड़की हो लड़का हो। तो गाइस हम लोग रास्ता में देखा एक स्कूटी यहाँ पड़ा हुआ है, पता नहीं कितना साल से, और यहाँ में गिरा हुआ है, और यहाँ में तो नंबर प्लेट कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा खोखला। ये किसका स्कूटी हो सकता है रास्ता का किनारे में? यहाँ से भी बैटरी गायब है। ओ हो, ये जो ये अंजाव जादस में हलंग जादस में रास्ता का ठीक यहाँ में है। तो यहाँ में रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया और अभी हम लोग इतना देर से रुक रहे हैं, कम 3-4 घंटा रुकना पड़ेगा, पूरा रास्ता देखो ब्लॉक हो गया भाई। तो गाइस फाइनली यार पूरा रास्ता खुल गया और हम लोग का गाड़ी भी आ गया यहाँ में, छोटा मोटा रेड कार। हाँ हाँ, अभी फाइनली कंप्लीट हो गया रास्ता और अभी क्लियर हो गया, तो हम लोग फिर से जाएंगे वाकरों की ओर। अरे भाई साहब, यहाँ में पूरा घरे भरती आर्मी घरे, रास्ता ब्लॉक का वजह से। तो गाइस यहाँ में पूरा ब्रिज बना रहा, नया ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ ये हाईवे में, और ये जो है हम लोग नदी से जाएंगे अभी। तो ये नया ब्रिज है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ओ हो, नीचे से पूरा रास्ता खराब है। ओ माय गॉड, पत्थर। ओ माय गॉड, ए हे, वहां पे पाइप गिर गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टूरू ट्रक। तो हम लोग घरे को वहां छोड़ के आए, यहाँ में रास्ता देखने जा रहे हैं, रास्ता क्योंकि छोटा है बोलते है, घरी नहीं घुसते बोलते है। तो गाइस यहाँ में घरी नहीं पिछड़ने के लिए पूरा बाय लोग पूरा पत्थर यहाँ रख रहे,
क्योंकि यहाँ गाड़ी पिछलता थोड़ा डाउन है, क्योंकि गिरने से तो सीधा नीचे गिरेगा, इसलिए ऊपर में पूरा पत्थर काट दिया हुआ है पूरा रास्ता को मिलाने के लिए। और ये रास्ता देख, आजा आराम से, कुछ नहीं। तो वो भाई वहां में सुसु कर रहा है, देखो वहां में। तो गाइस अभी फाइनली पूरा पार कर लिया, जो जगह पिछलता है, बारिश देने से ज्यादा पिछलता है। चलो फिर चलते हैं, निकल जाते हैं साथ में। वो नीचे परशुराम कुंड है, परशुराम कुंड, वो हो वहां में पूरा मंदिर संदिर दिखाई दे रहा है। वो देखो मंदिर है, परशुराम कुंड नदी, परशुराम कुंड मंदिर, पूरी पार्टी लो यहाँ में, पूरा खींची जाके। क्या करके आया रे पापुआ, क्या पकड़ा हुआ है, ब्यूटीफुल लगा के। गाइस फाइनली घर पहुंच गया, ये है मेरा घर का रास्ता, और यहाँ में चाचा लोग फिर चला जाएगा अपना घर की ओर, वाकरो में मेन बाजार में है। तो बाय दोनों में, अच्छा से जाना, चलो टाटा, चल मिलते हैं फिर चलते चलते। फाइनली मेरा घर पहुंच गया इतना दिन के बाद।